सो so, हेलो गाय स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में तो आज जो है मैं आपसे एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है आपका नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम एन तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखना ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकते क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम्स में फ्रेम होते हैं ठीक है थीके? तो इसके बारे में बात करेंगे इसकी डिटेल के बारे में जानेंगे कि एग्ज़ाम से आ, जो आपका स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम है उसके अंदर जो है आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं इससे बन सकते हैं ठीक है तो पहले बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च आ सौ परसेंट सेंट्रली असिस्टेड नेशनल गोएटर कंट्रोल प्रोग्राम एन जी सी पी इन नाइनटीन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है नाइनटीन में ये आपका नेशनल गोएटर कंट्रोल प्रोग्राम एन जो है ये इन्होंने लॉन्च किया था ठीक है और इसके बारे में बताता हूँ मैं हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इन अगस्त नाइनटीन द नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम एन जो नाइनटीन सिक्सटी टू में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने वॉज रिनेम्ड एज नेशनल आयोडीन डेफिशेंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम एन आई डबल डी सी पी ठीक है तो दोनों की फुल फॉर्म याद रखना आप ठीक है और उसको रीनेम कब किया था वो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है ठीक है तो मैंने पहले आपको यही बताया था कि एन आई डी डबल डी सी पी

अप्रैल 1986 ठीक है तो जो सी सी एच एफ डब्ल्यू है जो Central Council of Health and Family Welfare जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इन्होंने क्या इन्होंने क्या करा करा डिसाइड कि पूरी कंट्री में हम इंप्लीमेंट करेंगे कि जो ये आपका जो आयोडीन है ठीक है आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट तो सॉल्ट की आयोडाइजेशन हो सके और उसको जो है हम पूरे फेज मैनर में जो है हम उसको आपका कंट्री में अप्लाई कर देंगे इंप्लीमेंट कर देंगे ठीक है ये तो बात हुई हिस्ट्री की जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई ठीक है ये इंपॉर्टेंट थी और अब आगे चलते हैं टर्म गोइटर इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड गोइटर तो जो गोइटर टर्म है ये फ्रेंच वर्ड से जो है डिराइव किया गया है इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड इसको लैटिन वर्ड से एग्जाम में आ सकता है कि गोइटर वर्ड कहां से आया है विच इज ऑरिजिनली डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड गुटुर मींस थ्रोट ठीक है तो ये जो गुटुर वर्ड है ठीक है जो ये लैटिन वर्ड है इससे जो है डिराइव किया गया गोइटर वर्ड ठीक है डिफाइंड एज एनलार्जमेंट ऑफ था ग्लैंड ठीक है ये किस लिए बताया जाता है कि जो आपका थारॉयड ग्लैंड है ये जो है बढ़ जाता है ठीक है तो गोइटर एज एनलार्जमेंट ऑफ थायड ग्लैंड तो इसका मतलब यही है कि जो आपका थाइरॉयड ग्लैंड है यहाँ पे ये ये जो है आपका बढ़ जाता है ये इन्होंने बताया है गोइटर का मतलब ये होता है ठीक है आगे चलते हैं आयोडीन इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड डेली एट हंड्रेड टू 150 फिफ्टी माइक्रोग्राम नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितनी आयोड्रीन की जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की कितनी खपत होती है तो 100 से 150 माइक्रोग्राम जो है आपकी खपत होती है इस चीज को आपको याद रखना है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है आगे चलते हैं ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट आपकी जो चीजें हैं ये अभी मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ ये एग्जाम में ये चीजें पूछी जा सकती हैं क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इसलिए आपको हर डे के बारे में पता होना चाहिए और ये जो है आपके लिए स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट भी है तो आप इस चीज़ को याद रखना ये सारे नोट्स आप बनाते रहो ये बहुत ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि डेली खपत कितनी होती है और आपका वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिय डे कब मनाया जाता है ठीक है आगे चलते हैं उ सोल्ट आयोडाइज सॉल्ट है उसको आयोडाइज कैसे किया जाता है बनाया कैसे जाता है कि वो आयोडीन में उसके अंदर जो है वो आयोडाइज हो जाता है तो सोल्ट कैन बी आयोडाइज विद पोटेशियम आयोडाइड के आई इसका नाम है साइंटिफिक नेम तो सोल्ट क्या है आयोडाइज किया जा सकता है किससे पोटेशियम आयोडाइड से और पोटेशियम आयोडाइड के वन जीरो थ्री से एज इट वेरी स्टेबल एंड मेल्टिंग पॉइंट इज फाइव हंड्रेड डबल जीरो सी ठीक है तेपन जो सेल्सियस है उस पर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ये आपको चीज याद रखनी है पोटेशियम सोल्ट इज कॉल्ड आयोडेटेड सोल्ट तो कोई भी सोल्ट अगर उसको पोटेशियम uh, के साथ जो यूज किया जाता है आयोडाइजिंग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं आयोडाटेड सोल्ट तो आप जो अपने सोल्ट uh, देखते होंगे वो भी आयोडाइज सोल्ट आते हैं जैसे ज्यादातर लोग टाटा का नमक खाते हैं और भी जो नमक खाते हैं उसमें आप देखोगे तो वो आयोडाइज जो है नमक होता है आगे चलते हैं कॉजिस ऑफ गोइटर आयोडीन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर तो जो आयोडिन की डेफिशिएंसी है ये क्या है ये इंपॉर्टेंट कॉज है द बॉडी नीड्स आयोडिन टू प्रोड्यूस थाड हार्मोन तो बॉडी को जो थायरॉयड हार्मोन होता है वो जो है प्रोड्यूस करना होता है पर लेकिन आयोडिन की डेफिशिएंसी की वजह से वो आ, जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाती और उसके बाद जो है हमारे यहां से आपने देखा होगा गो, वो गोइटर जो है जो लोगों का जो है बढ़ने लगता है दूसरा कोर्स है आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीज टू दी डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ आयोडीन टू दस ठीक है तो जो फेटस होता है उसके अंदर क्या होता है जो आयोडीन डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से क्या होता है प्रेगनेंसी में जो पेट में बच्चा होता है ठीक है उस तक जो है आयोडीन पहुंच नहीं पाता और उसकी कम अवेलेबिलिटी की वजह से जो है दिक्कत आने लगती है तो लीड्स टू सु डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ थायरक्साइन तो थायरोक्साइन होता है वो क्या है थायरोयड ग्लैंड जो है एक हार्मोन रिलीज करता है वो रिलीज नहीं हो पाता एक एसेंशियल हार्मोन होता है वो मैन्युफैक्चर्ड बाय थायरॉड ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड जो है उसको प्रोड्यूस करता है तो डिक्रीज डिक्रीजेबिलिटी ऑफ थायरोक्साइन प्रिवेंट्स द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फर्टल ब्रेन एंड बॉडी तो बॉडी का जो डेवलपमेंट होना होता है ठीक है वो अच्छे से हो नहीं पाता किसकी वजह से जो थोक्साइन होता है उसकी वजह से तो उसकी वजह से क्या है दिक्कत आती है तो उसकी वजह से क्या होता है तो सच फोर्टल ब्रेन डेमेज इज ब्रेन जो होता है वो बच्चे का डैमेज हो जाता है एंड इन रिवर्सिबल वो दोबारा जो है ठीक नहीं हो सकता लिमिट्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इन लेटर ईयरस तो वो जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है जो भी हमारी रीजनिंग है जो भी हम क्वेश्चन करते हैं वो बच्चे के अंदर वो चीज नहीं आ पाती ठीक है तो यहाँ पे मैंने ये फोटो भी लगा रखी है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो अब बात करते हैं दूसरे कोजेस के बारे में सेकेंड है आपकी हासीमोटो डिजीज दिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज दैट कॉज इज इन्फ्लामेशन ऑफ योर थाइराइड ग्लैंड ठीक है जलन टाइप होने लगती है सम पीपल विथ हॉजीमोटो डिजीज डेवलप अ कंपेंसेटरी इंक्रीज इन दी था थायरॉयड लैंड साइज तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है इसके अंदर क्या होता है हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो हमारे हेल्दी सेल्स पर क्या है अटैक करने लगते हैं और अटैक करने के बाद क्या है वो हेल्दी सेल को ही डैमेज करने लगते हैं तो उससे क्या है आपके जो थाइरयड ग्लैंड है इसके अंदर जो है आपको एक तरीके का साइज जो है आपको इंक्रीज देखने में मिलता है ये भी गोयटर का एक कोज है थर्ड है ग्रेव डिजीज तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ग्रेव डिजीज में क्या होता है या फिर हँसी डिजीज में क्या होता है तो ग्रेव डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिसीज़ ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है इन विच योर इम्यून सिस्टम अटैक्स योर थायरॉइड कॉजेज इट ग्रो लार्जर ठीक है ग्रेव डिजीज हाइपर थाइड्रोजम विच रिक्वायर्स ट्रीटमेंट तो ग्रेव डिजीज़ क्या होती है वो भी क्या करती है हाइपर कर देती है विच रिक्वायर्स ट्रीटमेंट जिसमें हमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो ग्रेवस डिजीज के जो है कुछ जो आप देख पा रहे हो इसके सिम्टम कुछ अलग हैं जिसमें बल्जिंग है, हाँ, है, नहीं दिखते मेन इफेक्ट है। है? तो अगर आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो गोडर्स का आपका हासी मोटो डिजीज में और आपका ग्रेव्स डिजीज में और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और देता हूँ कई लोग जो है आपके वर्ड्स में कंफ्यूज होंगे हाइपर और हाइपोथि तो इसमें क्या है हाइपोथायरायडिज्म क्या है इज एन ओवरएक्टिव थायराइड व्हेन इट प्रोड्यूस टू मच थायराइड हार्मोन तो हाइपरथायरायडिज्म में क्या होता है कि जब थायराइड हार्मोन क्या होते हैं वो टू मच जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं और हाइपोथायरायडिज्म में क्या है ये अंडरएक्टिव थायराइड है व्हेन इट डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड ठीक है तो इन जो जो होते हैं वो जो है आपके प्रोड्यूस नहीं हो पाते उसकी वजह से जो है आपको हो जाता है तो ये आप याद रखना एग्जाम में अगर पूछेगा तो ये जो है आपको और में नॉर्मल मतलब ज्यादा और हाइपो का मतलब कम तो आप इसको स्पेसिफिक ऐसे याद रख सकते हो ठीक है फोर्थ है थारॉइड कैंसर फिफ्थ है प्रेगनेंसी सिक्स है तो ये भी सारे जो है कॉजेज हैं थारॉइड कैंसर कैंसर ऑफ थायरोड ग्लैंड

तो इन्फ्लामेशन जो जलन होती है की, ये खुद होती है और ये थाइड ग्लैंड को जो है ये आपका ग्रो कर देता है तो ये थायराइडिटिस भी जो है ये आपका एक एग्जाम्पल है ठीक है आगे चलते हैं also known as, D4, is a type of तो जो थायरोक्सिन है ये क्या करते हैं इससे ही पता चलता है कि आपको थायराइड है या नहीं है ठीक है तो एक तरीके का ये मेजर टेस्ट होता है और T4 टेस्ट मेजर्स द लेवल ऑफ T4 आपकी बॉडी में T4 का टेस्ट किया जाता है जब भी किसी को थायराइड चेक कराना होता है ठीक है तो इसकी टू मच क्या होता है टू मच और टू लिटिल T4 फोर कहना साइन ऑफ थायराइड डिजीज ज़्यादा हो या कम हो दोनों जो है आपके डिजीज ये आपके थायरोक्सिन जो है आपकी बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है उसके जो है ये बता पता लगा सकते हैं कि आपको है या नहीं है जो थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है या कम रिलीज हो रहा है ठीक है तो मैं फोटो के थ्रू दिखा देता हूँ यहाँ पे गोइटर है और ये थायराइड ग्लैंड है ये नॉर्मल है और ये गोइटर वाला ये जो है ये इंक्रीज हो जाता है यहाँ से बढ़ के बढ़ने लगता है यहाँ से है ना और इससे जो है यहाँ की स्किन भी आपकी मोटी होती चली जाती है यहाँ देख रहे हो आप ठीक है और यहाँ पे भी देख सकते हो जैसे मैंने बता रखा है इसको इस वाले एरिया को जैसा आप देख पा रहे हो इसको थायराइडिटिस बोलते हैं जैसे आप देख पा रहे हो ठीक है पे ढंग से और इसको एडम एप्पल बोलते हैं इसके ऊपर वाला एरिया है तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं ये नॉर्मल थारॉयड है ठीक है तो इसको आप याद रखना इसको एडम एप्पल बोलते हैं इस वाले एरिए को ठीक है तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अप आप हो सकते हैं कि एडम एप्पल कहाँ पे होता है या फिर पूछ सकते हैं कि वो किसके ऊपर होता है तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है ठीक है तो यहाँ पे मैंने आपको थायरोक्सिन के बारे में बता दिया ये एक तरीके से क्या होता है कि हार्मोन रिलीज होता है इसको क्या बोलते है? टी फोर टेस्ट मेजर्स भी बोलते हैं ठीक है टी फोर बोलते हैं तो इस चीज़ को आप याद रखना आगे बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी की स्पेक्ट्रम का मतलब होता है विस्तार की अगर आयोडीन डेफिशिएंसी बच्चे को अगर फेटस में हो रही है पेट में ही अगर बच्चा है या फिर उसके जो क्या क्या आपके पॉसिबल जो सिम्टम्स हैं या दिक्कतें हैं वो क्या हो सकती हैं तो पहला है मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है बच्चे को इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको समझना दूसरा है आपका क्रेटिनिज्म ठीक है इसमें क्या बोलते हैं बोनापन हो सकता है बच्चे को थर्ड है आपका अपोर्स ठीक है अपोर्स हो सकते हैं फोर्थ है आपका स्टिल बर्थ स्टिल बर्थ जो है अगर आपको हो रहे हैं तो वो भी जो है स्टिल बर्थ भी जो है वो आपके कारण है और फिफ्थ है आपका डीप मिटिज्म बहरा और गूंगापन इससे जो है अगर आप किसी को आयरन डेफिशिएंसी होती है तो ये भी एक कारण बन सकता है कि वो टीफ और हो जाए और सिक्स्थ है स्किन जिन्हें हम बहंगापन भी कहते हैं तो बच्चे की जो ऐसी आंखें भी हो सकती हैं आपने ऐसे कई बच्चे देखे होंगे जिनको जो है ये दिक्कतें होती हैं बट हम सिम्टम्स जो है आइडेंटिफाई कर नहीं पाते बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती बट हाँ कुछ दिक्कत होती है तो कई लोग सोचते हैं लो है कि हो सकता है क्या हुआ हो ना हुआ हो अगर आप अच्छे से जो है किसी का भी एनालिसिस करो ठीक है तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे बच्चे को देखिए कि हाँ क्या दिक्कत रही होगी तो ये भी एक सिम्टम के तौर पे स्पेक्ट्रम के तौर पे है तो सेवंथ है वेरियस टाइप ऑफ गोइटर तो टॉक्सिक गोइटर जिसे ग्रेव्स डिजीज बोला जाता है और सिंपल और नॉन नॉट भी आपको हो सकते हैं इसकी वजह से ठीक है एट थे आपका एच डी सी पी स्पास्टिक डायप्लीजर सैरबल पालसी आयोडिन डेफिशेंसी की वजह से आपको ये भी हो सकती है इसमें जो है सीजर गेट बच्चों का आपने कई बच्चों का ऐसा सीजर गेट देखा होगा चलते हुए तो ये क्या करता दैट कॉज मसल स्टिफनेस मसल मतलब टाइट हो जाती है बिल्कुल और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती एंड स्पेसम इन पर्सन लेग्स एंड समटाइम्स आप ठीक है तो एठन जैसा जो है लगता है बच्चा चल नहीं पाता और इसकी वजह से जो है ये आपको एस डी सी पी जो है स्पास्टिक डायपलीजिस सेरेब्रल पाल्सी जो है हो सकती है और नाइन्थ है आपका साइकोमोटर डिफेक्ट्स साइकोमोटर इंपेयरमेंट ऑकर्स वेन देर आर देर इज आ डिस्ट्रप्शन बिटवीन मेंटल एंड मसल फंक्शंस इट अफेक्ट्स द वे यू मूव टॉक एंड अदर रेगुलर एक्टिविटीज़ तो साइकोमोटर डिफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चे को ठीक है इसके अंदर क्या होता है कि आप कैसे बात करते हो आप कैसे चलते हो या फिर जो रेगुलर एक्टिविटीज करते हो वो इफेक्ट होती हैं इन्वॉल्विंग अ स्लोइंग डाउन ऑफ थॉट जिसमें आपका एक थॉट का जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाएगा एंड रिडक्शन ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल की जो आपकी फिजिकल मूवमेंट्स हैं वो क्या है वो हो जाएंगी इट कैन कॉज अ विजिबल स्लोइंग ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल रिएक्शंस कि जो वो फिजिकली और इमोशनली जो है उसकी जो चीज़ें हैं वो स्लो हो जाएंगी तो मैं आपको बता देता हूँ एज एग्जाम्पल साइकोमोटर डिफेक्ट्स विच इज साइकोमोटर एगिटेशन तो आपको ना स्पेसिफिक पता रहेगा इन इन टर्म्स में और एग्जाम में ऐसे जो है रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि साइकोमोटर डिफेक्ट्स क्या होता है और साइकोमोटर एगिटेशन क्या होता है तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ साइकोमोटर एगिटेशन क्या होता है? होता है है साइकोमोटर साइकोमोटर एगिटेशन एगिटेशन इज अ फीलिंग ऑफ एंसियस रेस्टलेसनेस दैट कैन लीड टू मूवमेंट्स अनेबल टू सिट स्टिल पर्सन एक्सपीरियंस मसल टेंशन मे आल्सो टैप देयर फिंगर्स एंड इंक्रीज इन हार्ट बीट फिजिकल ट्रीमोर्स दे स्पीक फॉस्टर या तो वो ज़्यादा बोलेंगे या फिर उनको जो है कप कपी सी चढ़ेगी बॉडी के अंदर जैसा ट्रीमोर जो होते हैं आपने देखा होगा बॉडी कांपती है हार्ट बीट में इंक्रीज हो जाएगा मसल टेंशन बढ़ जाएगी और वो रेगुलर अपनी जो चीज़ें हैं जो अपनी फिंगर्स हैं वो रेगुलर टैप करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं साइकोमोटर एगिटेशन बोलते हैं जो अनइंटेंडेड एनसीस जो रेस्टलेसनेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम वो साइकोमोटर एगिटेशन हम बोलते हैं अन इंटेंडेड मूवमेंट्स करना और साइकोमोटर डिफेक्ट्स में क्या होता है कि जो पर्सन का इमोशनली और फिजिकल बोलना करना सोचना स्लो हो जाता है ठीक है तो ये चीज़ आप देख सकते हो और मेंटल फंक्शंस में एक डिसरप्शन आ जाता है एक कमी आ जाती है उसकी वजह से जो है आप चीजें नहीं कर पाते तो साइकोमोटर डिफेक्ट्स विच इज साइकोमोटर एगिटेशन आप याद रखना ठीक है इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे ये जो आया था तो सर्वे टू असेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द आयोडीन डेफिशेंसी डिसऑर्डर इस ये जो आपका प्रोग्राम आया था एन ठीक है जैसा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको ये देखो ये जो आपका प्रोग्राम था ठीक है एनजीसीपी इसके जो है क्या ऑब्जेक्टिव थे ठीक है ये तो पहले आया था इसके बाद आया क्या था नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम इसको रीनेम कर दिया गया था इस नाम से एन आई डबल टी एन आई डबल टी सी पी से ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पहला ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि सर्वे करना मैग्नीट्यूड ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर सर्वे करके पता लगाना कि आयोडीन जो डेफिशिएंसी है ठीक है उसका कितना जो है मैग्नीट्यूड मतलब कितनी वो फैली हुई है सप्लाई ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट इन प्लेस ऑफ कॉमन सॉल्ट देखना देखभाल करना कि सप्लाई हाइड्रेटिड सॉल्ट की कितनी है कॉमन सॉल्ट के कंपैरिजन में रिसर्वे आफ्टर एवरी फाइव ईयर्स रिसर्वे करना आफ्टर फाइव ईयर्स ठीक है टू असेस द एक्सटेंड ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड द इंपैक्ट ऑफ आइडेटी सॉल्ट तो जो भी हमने सॉल्ट बनाया है है ठीक उसकी जो है कितनी इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पे ठीक है उसको जो है सर्वे करना हर पांच साल में लेबोरेटरी मॉनिटरिंग ऑफ आइडेटी सॉल्ट एंड यूरिनरी तो चेक करना कि जो आइडेटिंग जो आइडेटेड सॉल्ट है ठीक है उसकी लेबोरेटरी को जो है आपका रेगुलर जॉब बेसिस पे क्या है आपका मॉनिटरिंग करना

एट द डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसज डी ए जी एच एस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन आई डबल डी सी पी इन दंट्री ठीक है नेशनल आयोडिन डेफिशेंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम को ये रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कौन सेंट्रल यहाँ पे याद रखना आप सी एन आई डी डी सी सेंट्रल न्यूट्रिशन एंड आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर सेल एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस डी जी एच एस ठीक है ये रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इसको हमारी कंट्री में ठीक है तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट याद रखना और आगे जो है ये एब्रीवेशन इनका आप स्क्रीन शॉट ले लें जितने भी कैंडिडेट हैं ठीक है तो ये एग्जाम में आ सकते हैं ये एब्रीवेशन आप जो है लिख लें स्क्रीन शॉट ले लें ले, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए एग्जाम में आ सकते हैं और इसके अलावा जो है एक और एब्रीवेशन है इसको भी जो है आप एग्जाम के लिए याद रख लें ठीक है तो मैं आपको जो है दोबारा एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि पहले मैंने आपको एनआई डबल डी सी पी के बारे में बताया इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है दूसरा एन जी सी पी जो आया था वो कब आया था ठीक है एन जी सी पी जब आया था उसके बाद जो है इसको रिनेम कर दिया गया और इसको एन आई डबल डी सी पी इसको बना दिया गया ठीक है फिर कौन किसने जो है डिसाइड करा सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिसाइड करा 1984 में कि इसको इंप्लीमेंट करेंगे फेज मैनर में कब से 1 अप्रैल 1986 से फिर उन्होंने जो है यहाँ पे मैंने आपको इनकी इंपॉर्टेंस बताई कि जो गोइटर वर्ड है वो आया कहाँ से है लेटिन वर्ड से गुटोर से आया है और होता क्या है डेली रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी आयोडिन की आप एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए 100 से 150 माइक्रोग्राम मैंने बताई है वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे कब आता है ये भी मैंने आपको बताया और अगर आप यहाँ बात करेंगे कि जो सॉल्ट है उसको कैसे आयोडाइज किया जाता है तो ये भी एग्जाम में आ सकता है मेल्टिंग पॉइंट पूछ सकते हैं या फिर ये पूछ सकते हैं कि उसको हम आयोडाइज जो करते हैं वो किसके साथ करते हैं ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दे, दे देंगे पोटेशियम आयोडाइड या फिर नाइट्रेट दे, दे देंगे बहुत सारे जो ऑप्शन हैं वो दे सकते हैं ठीक है फिर मैंने आपको यहाँ पे कॉजेज़ के बारे में बताया यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं ठीक है उसके बाद मैंने आपको हंसी मोटो डिजीज़ बताई यहाँ पे, फिर ग्रेव्स डिजीज बताई ये एग्जाम में पूछ सकते हैं और डिफरेंस बताया हाइपर में और हाइपोथायरोडिज्म में ठीक है और यहाँ पे जो है मैंने आपको ये काजेज़ बताए थायरोक्सिन के बारे में बताया कि ये क्या होता है बॉडी के अंदर एक थायरोड हार्मोन होता है जो रिलीज होता है ठीक है थायरॉयड डिजीज के लिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अगर ये ज्यादा है तो हमें थायरॉयड की दिक्कत है अगर ये कम है तो हमें थायरॉड की दिक्कत है यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा फोटो के थ्रू ठीक है और यहां पे मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताया और इन डेफिशियसी के जैसा आप देख पा रहे हो ये सारे स्पेक्ट्रम है इनको आप लिख सकते हो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ठीक है इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट थी ये एस की फुल फॉर्म है स्पास्टिक डाइपलीजिया सेरेपल पालसी ये एग्जाम में आ सकता है इसके बाद अगर आप बात करोगे यहाँ पे मैंने आपको साइकोमोटर डिफेक्ट के बारे में बताया साइकोमोटर डिफेक्ट और साइकोमोटर एगिटेशन के बीच का डिफरेंस ठीक है और इसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए आपको इसमें याद रखना कि रिसर्वे कब किया जाता है हर पाँच साल में रिसर्वे किया जाता है ठीक है और एंड में मैंने आपको एब्रीवेशन जितनी भी थी वो सारी एब्रीविएशन जो है मैंने आपको एक्सप्लेन करी है तो इस चीज़ को आप याद रखना ठीक है तो अभी इस वीडियो में इतना ही बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपकी जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की लिस्ट आएगी या जो भी जो अपडेट्स है जो और वीडियोज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपसे और अपडेट्स हैं उनके बारे में बात करूंगा और अगर किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मुझे कमेंट डाउन करें मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ठीक है तो अभी इस वीडियो में इतना ही बाकी मिलते हैं मिलता नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए आए और अपनी जो है प्रिपरेशन करते रहें वैकेंसीज जो हैं वो जल्दी आएंगी ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी तो अपने आप को जो है प्रिपेयर रखें बेस्ट ऑफ लक और अपनी जो है तैयारी करते रहें और जो है प्रिपरेशन करें तो जब तक के लिए बाय और अपना जो है ध्यान रखें टेक केयर